राम राम सर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे पुरानी हवेली, 250 साल पुरानी हवेली। इंटीरियर और एक्सटीरियर और अंदर का कैसा माहौल दिखता है वो भी मैं आपको बताना। ऐसा कहते हैं इस हवेली को बनाने में मिनिमम 10 से 20 साल लग गए थे और इस हवेली के अंदर 500 से ज़्यादा लोग पहले रहते थे, आज तो यहाँ कोई भी नहीं रहता। इस हवेली की खास बात में आप अगर आप लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको इसमें इसके अंदर जो बंदूक और तलवार मिली थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आज के टाइम पे ऐसी ना बंदूक मिलती ना तलवार मिलती, काफ़ी खतरनाक तरीके से बताया गया। यह है एंशियंट पेंटिंग। आज इस पेंटिंग की खास बात है ये पेंटिंग को काफ़ी बारीकी से काम किया गया। आज के टाइम पे ना ऐसी पेंटिंग बनती है ना ऐसे इंसान मिलते हैं, क्योंकि ऐसे कारीगर भी नहीं है जो इतनी खूबसूरत तरीके से बना सके। मजे की बात है इस हवेली में 50 से 60 रूम है और तो 10-15 किचन है, मतलब इतने टाइप के, मतलब फुल फैसिलिटी दी गई है। ब्रिटिश टाइम की हवेली है ये, और ऐसा कहते हैं और माना जाता है ये हवेली और भी 100 साल 50 साल टिक सकती है, जिस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन और मजबूती से बनाया गया है। दूर दूर से टूरिज्म काफ़ी दूर से देखने आते हैं इसको। इस हवेली की खूबसूरत बात है यहाँ की पेंटिंग देखने को लोग आते हैं। इस गांव का नाम है मंडावा। मंडावा गांव में काफ़ी सारी हवेली, इस गढ़ काफ़ी प्रसिद्ध गांव इसीलिए है मंडावा गांव। इस गांव को हेरिटेज का एक दर्जा दिया गया है। इस गांव की खास बात है यहाँ इतनी सारी हवेली है और बहुत से लोग शूटिंग करने के लिए आते हैं। बॉलीवुड स्टार संभलो, शाहरुख खान, सलमान खान, टीवी सीरियल, सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी सारे इधर शोज वगैरह भी होते हैं, शूटिंग करने के लिए आते हैं हवेली वगैरह में। आधी से ज़्यादा हवेली इस गांव में बताया गया है। हम चलेंगे अभी ऊपर, ऊपर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ 50-60 रूम ये ऊपर है, देखो आप ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ऊपर से हवेली ऐसे दिखती है, काफ़ी खूबसूरत दिखती है। ये देखो पहले के सैनिक जो वहाँ थे प्रोटेक्ट करने के लिए, रात को जो राजा महाराजा के लिए सैनिक के लिए ये सब बनाया गया है, फुल ऐसो आराम के लिए कि कोई भी इंसान को कभी कुछ होना नहीं चाहिए। ये देख सकते हो आप, आज के टाइम पे ऐसी हवेली कोई बना भी नहीं सकता ना कहीं सोच सकता है। इसका आर्किटेक्ट और इंटीरियर काफ़ी ज़ोरदार है, एक टाइप का ऐसा बताया गया आज के टाइम पे ऐसा जो इंटीरियर है इतना को खर्चा कोई कर भी नहीं सकता, काफ़ी बारीकी से काम किया है। मैं अभी आपको बताऊंगा गांव का ऊपर का माहौल। गांव आज ये हवेली ऐसे, मतलब एक टाइप में एक रहस्य ही है कि ऐसी हवेली कोई, इसके हवेली के अंदर अंदर क्या क्या मिल सकता है। ये भी एक गाँव की सबसे पुरानी हवेली में से एक हवेली है, ये भी 150 से 100 साल पुरानी हवेली है, ब्रिटिश हवेली इसको कहते हैं इस नाम के ऊपर। ये हवेली में रात को आवाज़ गूंजती है, काफ़ी लोग डरते भी इस हवेली में जाने से। हम भी लोग सुबह सुबह ही हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब दोस्त वगैरह आए रखे हैं सुबह से, और अकेला आदमी कभी आ भी नहीं सकता। इस हवेली की खास बात ये है अगर अकेले आओगे आप डर जाओगे और रात को भी नींद भी नहीं आएगी। ऊपर से गांव ऐसा दिखता है आपको, काफ़ी खूबसूरत दिखता है आपको ऐसा। हम लोग 10 से 15 मिनट रुके थे, काफ़ी अच्छा हवा रही है, मतलब एटमोसफियर फुल मज़ा आ रहा है। हम अभी 3रे फ्लोर पर हैं, ये देख सकते हो आप, ये ऊपर से हवेली ऐसे। अभी धूप बहुत आ रही है हमारे यहाँ पे, तो मैं भी एकदम आँख एकदम थक चुकी है, मतलब अभी क्योंकि नीचे से भी आया एकदम डस्ट वस्ट चिप गई थी आँखों पे, क्योंकि अभी 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 आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ अभी। और नीचे जो रूम है वो काफ़ी सीक्रेट रूम है, ये पहले के लोग यहाँ पे बैठते थे आराम करने के लिए, राजा महाराजा और उनकी वाइफ वगैरह, उनके बच्चे वगैरह इसी आंगन में खेलते थे, ऐसा लोग कहते हैं। ब्रिटिश टाइम में लोगों ने काफ़ी कुछ बनाया रहा, डेवलप किया। ये है रूम, ये रूम स्पेशलिटी है, एक रूम खोलने के लिए 4-4 दरवाजे हैं, आप देख सकते हो। अभी इस गैलरी में जाऊंगा, आज के टाइम पे ऐसी गैलरी को सिटी में बनाते हैं। पहले के लोग इतने मॉडर्न थे, इतने आर्किटेक्चर इंटीरियर थे कि पहले से इन्होंने इतना दिमाग सोच रखा था कि रूम के बाहर भी गैलरी होनी चाहिए। देखो अपने लोग तो आज बनाते हैं, पहले के ब्रिटिश टाइम लोग तो पहले से उनमें कितना अब्रॉड दिमाग था, मतलब कैसे हो सकते हो आप। ये देखो आप, काफ़ी लंबी चौड़ी गैलरी है, आप 2 आदमी एक साथ चल सकते हैं, इतनी लंबी चौड़ी गैलरी है। मतलब 250 साल पुराने पहले भी लोग इतने खतरनाक दिमाग था लोगों का। यह है एंशियंट पेंटिंग्स, देखिए आप देख सकते हो। यह है अलमारी, गांव को इसमें गांव को कहते हैं अलमारी। इस अलमारी में लोग ना सोना चांदी अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सब चीज़ें रखते हैं, हर किसी को भी नहीं बताते ये अलमारी में, ना ही इस रूम में किसी को आने देते हैं, भले कोई कितना भी टोपी क्यों ना हो। ये देखो ये है रूम्स वगैरह, ऐसे नीचे भी रूम है और ऊपर भी रूम है, 50 से 60 रूम है। आप चलते चलते थक जाओगे लेकिन हवेली ख़त्म नहीं होगी। इस हवेली की खास बात है ये देखो, ये दादर, इस दादर में धीरे धीरे चलना पड़ता है, अगर आप जोर से चलोगे तो मुँह के बल गिरोगे, और ऐसे ऐसे जगह लगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा ना कि इसको बता सकते हो। मजे की बात है इस हवेली में आज कोई कलर करवाना पसंद नहीं करता। इस हवेली में अगर सब लोग कलर भी करवाओगे ना तो भी ज़्यादा नहीं, 20-30 लाख रुपये तो कलर कलर लगेगा। इतने टाइप के रूम है, इतने रूम है, इतने हॉल है, किचन है, पता नहीं क्या क्या है। आधे रूम तो मैंने देखे नहीं है, मैं खुद थक चुका हूँ चलते चलते। आप ये देखो, यह भगवान श्री गणेश, जय हो आपकी।
मजे की बात है, आज यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता और ना ही रहना पसंद करता है। एक टाइप में ये हेरिटेज बताया गया है आपको। 90% तो हवेली बता दी, 10% मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। यहाँ आपको तलवार वगैरह जो एंशियंट लोगों के पास हथियार वगैरह होते थे वो इस रूम में हमने देखे थे। ये देखो आप, इस रूम की खास बात है, इस रूम में किसको आने नहीं देते जल्दी से। इसमें इतना कचरा भरा पड़ा है, लेकिन इस कचरे के अंदर भी बहुत कुछ है। अभी आंखें दुखने लग गए, थक गए, क्योंकि आंखें नीचे के जो घड़े वगैरह के डस्ट थे वो चिपक गई है आँखों में। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपने देखी भी होगी है और आप जानते भी हो, गांव में लोग है ना एक ही साथ चरखा खरीदते हैं। चरखा मतलब डोरी, गांव में लोग घिसवाते नहीं है, सीधा चाइना डोरी रहता है। ये देख सकते हो आप, मतलब एक बार आपने चरखा खरीद लिया तो आपको 2-3 साल टेंशन नहीं देखने को। ये देखो आप, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, गांव का माहौल इतना सॉलिड है ना भाई साहब। ये देखो आप ऊपर का, देखो ये हमारे गाइड भाई, काफ़ी मतलब एकदम मस्त धूप आ रही है। फिर से मिलेंगे एक और ब्लॉग में।